भर में फैल चुका है कोरोना वायरस का कहर, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। बता दें आप सभी को, कोरोना वायरस की वजह से दिन पर दिन लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस बीमारी के चलते जगह जगह पर चेकअप भी किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के काम पर बेहद ही ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों ने ये परेशानियां तो भुगती ही हैं, साथ ही साथ इसका असर कंपनी से लेकर पड़ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री पर। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोरोना वायरस की वजह से सेलिब्रिटीज का काफी नुकसान भी हो रहा है, और इसके चलते यहाँ पर लोगों ने डिसीजन लिया है शूटिंग पर रोक लगा देने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं एक और ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जो कि बेहद ही फेमस हैं अपनी कॉमेडी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज, और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। बता दें आप सभी को यहाँ पर कि हम बात करने जा रहे हैं कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा के बारे में। कपिल शर्मा को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, और इस पोस्ट में वो मास्क लगाए हुए थे, और यहाँ पर उन्होंने कैप्शन भी दिया था इस बीमारी से सावधान रहने के लिए। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कपिल शर्मा के बारे में, तो कपिल शर्मा के शो पर बहुत ही बुरा असर पड़ने जा रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं सलमान खान का ये पॉपुलर शो जो कि कॉमेडी के लिए जाना जाता है, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है, तो वहीं कपिल शर्मा ने जान डाली है शो में, ऐसे में यहाँ पर क्या असर पड़ा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों कोरोना वायरस के कहर से लगातार लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो वहीं इस जानलेवा बीमारी का असर दिन पर दिन बढ़ता भी जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से लोगों के काम पर बहुत ही बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आप सभी को कि देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट में कोरोना वायरस के चलते काफ़ी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों की शूटिंग तक रोक दी गई है। ऐसे में आपको बता दें तो टीवी इंडस्ट्री में भी सीरियल्स की शूटिंग पर रोक लगा दी है। तमाम ऐसे इवेंट हैं जो कि कैंसिल कर दिए गए हैं, तो वहीं अब खबर आई है कपिल शर्मा के शो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सलमान खान के शो द कपिल शर्मा शो के बारे में, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है, और वहीं कपिल शर्मा की वापसी हुई है सलमान खान के जरिए। यहाँ पर आपको बता दें इस शो के बारे में, तो द कपिल शर्मा शो को प्रोड्यूस करने के बाद लगातार सलमान ने कपिल शर्मा को लाइमलाइट में ला दिया था। कपिल शर्मा के शो को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं, और वहीं जैसे ही वीकेंड आता है तो बेसब्री से इस शो का इंतज़ार भी करते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का कहर अब कपिल शर्मा के शो पर भी आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो की शूटिंग पर रोक लगने वाली है। जी हाँ, कैंसिल करनी पड़ रही है उन्हें अपने शो की शूटिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि जिस शो को 18 मार्च यानी कि आज शूट किया जाना था, उसकी शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। इतना ही नहीं, स्टारकास्ट से लेकर क्रू मेंबर तक सभी लोगों ने घर पर बने रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, और यहाँ तक की खबर ये भी आई है कि शो में चंदू चाय वाले का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर चंदन प्रभाकर से जब पूछा गया इस शो के बारे में, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हाँ, हमें बुधवार को एक एपिसोड शूट करना था, लेकिन हमें अगली सूचना तक शूट के कैंसिल किए जाने की बात कही गई है, और इस बात का खुलासा खुद चंदन ने अपने इंटरव्यू में किया है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर हाल ही में तमाम ऐसे शो हैं जिनको लेकर खबरें आई हैं कि शूटिंग रोक दी गई है सीरियल्स की, तो वहीं फिल्मों की भी।
इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर सरकार के बारे में तो सरकार ने कई गाइडलाइंस दी हैं इस बीमारी को लेकर, और समय समय पर लोगों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बता दें आपको, यहाँ पर कई लोगों के ट्वीट सामने आए हैं, तो वहीं फिल्म सिटी की सारी शूटिंग भी बंद हो चुकी हैं, तमाम सरकारी ऑफिस प्राइवेट ऑफिस भी बंद हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक ऐसा ही सामने आया है, और यहाँ पर अब कपिल शर्मा के शो पर भी गहरा असर पड़ गया है। और इस रिपोर्ट में हमने आप सभी को बताया कपिल शर्मा के शो के बारे में, किस तरीके से कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर बुरा असर देखा जा रहा है। यहाँ पर आप जानते हैं कि आज ही है 18 मार्च, और 18 मार्च के मौके पर यहाँ पर शूट किया जाना था, लेकिन यहाँ पर ये शूट भी कैंसिल हो गया। ऐसे में यहाँ पर कपिल शर्मा के अपकमिंग एपिसोड को लेकर अब क्या खबरें आती हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।